हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज है डे संडे और कल सैटरडे मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तबीयत ही कुछ मतलब ठीक नहीं है मेरी। और मौसम, कल रात बारिश हुई थी, सुबह जब मैं उठी हूँ ना तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी एकदम से गायब। एकदम शांत है बाहर, और लेकिन बहुत ही भीनी भीनी, जैसे धीमी धीमी सी फुहार जैसी पड़ रही है। रात में थोड़ी तेज़ बारिश हुई है मुझे लग रहा है, और शाम को भी थोड़ा बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो बंद हो गई थी। कल शूटिंग ही नहीं की सैटरडे कुछ, आज संडे है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ कुछ मानसून रेसिपी, बारिश हो के बंद हो जाए तभी बनता है घर में कुछ नाश्ता। जब हो रही होती है तब उस समय मानो नाश्ते का टाइम नहीं है, लेकिन माहौल तो वही रहेगा पूरा, है ना। शुभम के तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं इसलिए आज वो संडे मना रहा है, सो रहे हैं अभी शुभम, तो जब उठेगा तब तक नाश्ते की तैयारी हो जाएगी। और मुझे मतलब आज एक बात कहनी है, फिर मन कर रहा है कहने का कि चलो, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने कल काम नहीं किया, शूटिंग वगैरह नहीं करी, काम किया शूटिंग नहीं करी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ अपने लिए कि मतलब मैं ऐसे थकान महसूस करती हूँ। मुझे हुआ क्या है पूछो तो, हुआ क्या है तबीयत ठीक नहीं तो क्या हुआ, थकान, ऐसे चूर चूर के थकान है ना, बॉडी पेन और थकान, कि ऐसा लग रहा है जैसे 23-24 साल से मैं काम 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 सिर्फ काम ही कर रही हूँ। अब ऐसा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दो, मतलब कुछ काम हम नहीं करना है, मुझे बस बैठे रहना है, ऐसी इच्छा होती है। तो ऐसा मैं सोच रही थी कल ही, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं पूछूंगी आप लोगों से, बात करूंगी। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैं जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे मिली थी, तो हम ऐसी बात कर रहे थे काम और शादी और लड़कियों के विषय में। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोली कि यार मतलब करते करते इतना थक गई हूँ मैं कि अब मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने का। पहले सब मेरी फ्रेंड्स बोलती थी, जब मेरे फिर वीडियोस देखती थी, ब्लॉग देखती थी, मम्मी लोग बोलती थी इतना क्यों करती हो, क्या जरूरत है इतना करने की, आराम आराम से करो बस, जितना करना है कुछ, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तब भी मैं करती थी, लेकिन अब मेरे से होता ही नहीं है, मतलब अब मेरे से होता भी नहीं है, मैं अंदर से चाहती नहीं हूँ ऐसा करना, और मैं थकान महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है 24 साल से, जब से घर गृहस्थी शुरू की होगी मैंने माना में 2001 से, तो जो मैंने घर गृहस्थी अपने जीवन की शुरू की, तब से मैं सिर्फ कर ही रही हूँ, मतलब लगातार कर रही हूँ मेहनत। अब मुझको लगता है कि नहीं, यहीं पर मुझे रोक देना है अपने आप को, मुझे नहीं करना है, बस उतना ही करना है जितना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो मैंने ऐसे वहाँ पर जैसे बात हो रही थी मेरी फ्रेंड से, तो मैंने उससे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को पहले बाद में तो उनको झोंकना ही होता है, मतलब एक तरीके से नरक के द्वार खुलते ही हैं शादी के बाद। मैं सोचती थी कि पहले जब वो पढ़ लिख जाए और नौकरी करने लगे, तब उन्हें 2-3 साल कहना चाहिए कि नौकरी कर रही हो, अब हाथ में पैसा तुम्हारे, तुम जियो अपनी ज़िंदगी। तो मैंने प्रिया से बोला कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब अपना लड़कियों को ऐसा करना चाहिए कि पढ़ी लिखें, पढ़ी रही हैं, नौकरी कर लें, और कत्ते उनकी शादी ना करें नौकरी लगते ही, बिल्कुल नहीं, चाहे उनके पास लाखों पैसा क्यों ना भरा पड़ा, नहीं शादी नहीं करना। उनसे बोलो कि पहले तुम 2-4 साल जियो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से, अपने मन मुताबिक जियो पहले 1-2 साल, और उसके बाद जब तुम हमसे बोलो कि अब हमने जी लिया ज़िंदगी, तब फिर कहें कि ठीक है आप चलो। जैसे होता है ना कि एक फेस होता है लाइफ का, कि अभी तक आपने ये किया वो किया, बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर फलन ढिमका, फिर आती है वृद्धावस्था, क्या पूजा पाठ करो। ऐसे ही जब आप पूरी ज़िंदगी जी लो, तब कहो कि अपना रख के दरवाजे खोलो, कहो कि जाओ अब तुम्हें अंदर प्रवेश करो इसके अंदर, मतलब क्योंकि वो तो लॉटरी है, जुआ है, कैसी किस्मत के नाम पे उसको वो दरवाज़ा दो किस्मत वाला। पहले वो मेहनत करके, जैसे कहते हैं ना, अपनी मेहनत से पढ़ो लिखो और नौकरी करो, जॉब करो, कमाओ पैसा और जियो अपनी ज़िंदगी, उसके बाद दरवाजे खोलो, कह दो कि जाओ अब लॉटरी का सिस्टम करते हैं, इसमें देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, चलो अब यहाँ जुआ खेलते हैं, या यूँ कह लो अब तुम्हारी किस्मत में क्या है, और अब ये दरवाजे खोलो, मतलब लास्ट में शादी करो, ठीक है, मैंने ऐसे बोला। तो फिर मेरी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ लिखाओ, जल्दी जल्दी इनकी शादी करो,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भला पढ़ाओ लिखाओ, लड़की लड़का तो कमाने लगे और शादी करो, जैसे कमाने लगे तुरंत शादी करो। तो कह रही मैं राह देख रही हूँ कि कमाए और उसी महीने चटपट ब्याह करो। तो हमने कहा क्यों? तो उसने अपना लॉजिक दिया। वो कहती है कि देखो लड़का हो या लड़की, तो तुम्हें पता है कि करना तो है ही है बाद में जिम्मेदारी। वो एक आदि लोग होते हैं जो जिम्मेदारी से छोड़ छाड़ के भाग के बैठे अपने जीवन जीते, हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इससे अच्छा है कि जैसी लड़की पढ़े, पढ़ाई पूरी करे, नौकरी लगे कि ना लगे शादी करो, और लड़का कमाने लगे तुरंत शादी करो, और शादी करो तो अपनी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं, बहू आ जाए तो उसका पूरा करो शौक शान, और उनके बच्चे बच्चे सब संभालो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, ऐसी बोल रही थी वो। और लड़की की शादी करी तो लड़की को सब दो करो, और उसकी जिम्मेदारी कैसा फिर लॉटरी खुले कैसे मिले परिवार, उल्टा खुद ही करना पड़े, तो वो सब भी पूरा निपटाओ, उनका पूरा दोनों बच्चों का संसार पूरा कर दूँ, ऐसी उसकी इच्छा, उसके भी दो बच्चे हैं, सब संसार जमा दूँ, तब जा करके हम अपनी जिंदगी जिए। उसके कहने का मतलब कि लास्ट में जो हमको भजन कीर्तन करना है या हमको जो भी अपना जीवन जीना है वो हमको कब मिलेगा, वो उस चीज को तरस रही हूँ, कह रही है कि मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी पूरी जिम्मेदारी पूरी करूँ और फिर मैं अपना राम नाम जपूँ, मतलब जो भी उनके भगवान है वो जैन है वो, मतलब तब वो अपना अपने अपने उसमें लग जाए अपना। इतनी मुझे हंसी आई कि मैं ऐसा सोचती थी, और मैंने बड़ी उत्साह से प्रिया से बोला, और फिर जब उसने ऐसा बोला तब से जब मैं सोच रही हूँ उस बारे में कि हाँ वो भी सही है, क्योंकि हम कितना भी कह दे कि जाओ जियो अपनी जिंदगी, उसके बाद तो आ करके जब कुछ भी दुख सुख हुआ तो जो हमारी मम्मी ने झेला है वो हमें भी करना ही है, उसे तो हम भाग सकते नहीं है क्योंकि उसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ है जिम्मेदारियों से भागना। तो हमने सोचा कि नहीं हाँ ये भी सही है, क्यों इतना लंबा घसीटे कि तो हमारे हाथ पैर ही ना चले, हम चाह भी रहे कि हमें करना है करना है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जब हमारे हाथ पैर चल रहे हो तभी इनकी जिम्मेदारियां निपटाओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर आराम करें। तो बताओ आप कैसा क्या सोचती हो इस विषय में, समझ गई हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जीवन का एक ऐसा पल चाहिए कि बस हो गया, अब बस अब आराम से बैठना है, दो रोटी सूखी सही मतलब बस उतना ही ठीक है, पर अब बैठना है आराम से, अब दौड़ भाग नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, वो समय लाने के लिए किस दिन का इंतजार करोगे आप बताओ? मेरी बात सही से सहमत हो आप कि पहले जीने दो लड़कियों को उसके बाद दरवाजे खोलो, या फिर वो वाला जो हमारे साथ हुआ है, मम्मी लोगों ने किया है कि जैसे पढ़ाई लिखाई पूरी हुई पिया कह रही थी जैसे मम्मी लोगों ने किया ना वैसे ही करना है, तुरंत तुरंत शादी करो चटपट, फिर देखो लॉटरी कैसे खुलती है, फिर उसके हिसाब से उनकी जिम्मेदारी पूरी करो और फिर जा करके चैन की सांस लो। तो आज सुबह सुबह ऐसे लग रहा है लोग सो रहे हैं, नाश्ता वाश्ता भी थोड़ा देर से बनना था तो मुझे फिर वही सब बातें रिकॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज अपने व्यूवर से भी बोलती हूँ मैं कि आप लोग क्या सोचते हो मुझे आपके कमेंट में बताना। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णभिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसंध्याया पठेन्नरा न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मनसे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम श्री गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। आज नाश्ते में बहुत ही इंस्टेंट सा नाश्ता बनाने वाली हूँ, गेट्स के उत्तपम झटपट से बन जाते हैं और बच्चों को पसंद भी है। ये ब्रेकफास्ट मिक्स उत्तपम है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो नहीं होता है इसका टेस्ट, जैसे ना जैसे सूजी का जो हम लोग बनाते हैं उत्तपम वाला उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ठीक है कभी कभार ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ बनाने के लिए मैं सबसे पहले चटनी तैयार कर रही हूँ, तो अदरक लहसुन हरी धनिया
और ये है गीला वाला नारियल। तो मैंने पिछली बार बोला था कि हमेशा नहीं रहता है, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप फ्रिज में एक स्टील के टिफ़िन में ऐसे कटोरे में रख लीजिएगा, वही मैंने रखा था फ्रीज़र में ही इसको, और बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा टुकड़ा है गीले नारियल का, और इसमें मैंने दही डाली है, नमक भी डाला है। तो बस नमक, दही, नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ सबको ब्लेंड कर लिया है। तो ये चटनी तैयार। दही का खट्टापन होगा और ताजे नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और इसके मैं तड़का बना रही हूँ। वैसे ये चटनी बिना तड़के के भी अच्छी लगती है। बस तड़के के लिए तेल गरम करके राई डाला है, हींग डाला है और थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया। इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे, और ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। चटनी मिक्स होके तैयार, साइड में रख दिया, क्योंकि उत्तपम है, आपे हैं, कोई भी ऐसे साउथ इंडियन जो भी स्नैक्स बनाते हैं हम लोग, इडली वगैरह, तो चटनी के साथ उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब चूंकि ये प्री मिक्स है, इसमें जो मिक्स है तो मिक्स है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, ये मिक्स किया है और पानी से इसको घोल लिया है। मैंने नोटिस किया इसको बनाते समय कि थोड़ा पतला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले पतला किया था, लेकिन जैसे ही बैटर तैयार किया ना, तो जल्दी जल्दी से तो वो गाढ़ा हो जाता है, और इसीलिए मैंने पहले से बैटर मिक्स नहीं किया था। सोचा था जब लास्ट में तवे पर जब हमें फैलाना है ना उत्तपम, उसी टाइम पे मैं इसको बैटर तैयार करूँगी, क्योंकि ये इंस्टेंट बनते हैं, और वही किया है मैंने। और तवे को पहले हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसके बाद बड़े बड़े चम्मच से ऐसे फैला दिया है। ये उत्तपम मोल्ड में मैं बना रही हूँ, कास्ट आयरन का है। वैसे आप प्लेन तवे पे भी उत्तपम बना सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर मोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है कि उत्तपम मेकर ही रहे, क्योंकि उसको तो बस फैलाना रहता है। बस ये सेक्शंस रहते हैं, तो ये रहता है कि सेप एक जैसा, सेम साइज़ में बनेगा, शेप एक जैसा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर प्लेन तवे पे भी मैं फैला के दिखा रही हूँ, जैसे एक बड़ा सा लिया बैटर और उसको ऐसे चम्मच से फैला दो जितना आपको फैलाना है। मैंने सब्जियाँ मिक्स कर दी है ना, तो वो जल्दी से अच्छे से चम्मच से फैलाने में पूरा ऐसे प्लेन नहीं फैलता। अगर प्लेन रहे फैला दो, ऊपर से आप सब्जियाँ डाल लो गीले बैटर में। कई बार ऐसे भी उत्तम बनाते हैं लोग, ऊपर में सब्जियाँ रहती हैं, नीचे में प्लेन बैटर रहता है। मुझे लगता है मैं पूरी सब्जियां मिक्स कर लूँ, फिर आराम से फैला दूँ, जैसे आपे में करते हैं हम लोग, वैसा ही मैंने किया है। और बस ये सिकते जा रहे हैं बच्चों के लिए, पहले मैंने प्लेट लगाई है जब तक ये लोग खा रहे हैं, फिर बना लूँगी मैं, फिर गुप्ता जी का भी होगा, और मैं लास्ट में चाय बनाऊँगी अपने लिए। बस इसी तरीके से पलट देना है और फिर सेक लेना है। आप इस उत्तपम में ना गाजर भी बारीक काट करके डाल सकते हैं, गाजर का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, शिमला मिर्च, गाजर। तो सब्जियां तो जैसे अपने बच्चों की अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। आज मैं जामुन का शेक बनाने वाली हूँ, या स्मूदी भी कहते हैं जामुन शेक। मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए अदरक डाल करके। चाय पहले मैं हमेशा चायदान को ऐसे पकड़ के हिलाती थी ना, तो एक दिन कमेंट आया था बिलाशा में डर लगता है चाय ना गिर जाए, आप चम्मच से उसको हिलाया करो, तो आज मैंने चम्मच से हिलाई है। और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं जामुन शेक। मुझे कल ही कमेंट में पढ़ा मैंने कि जामुन के साथ में वनीला आइसक्रीम डाल करके और दूध के साथ चीनी डाल के आप ब्लेंड कर लो, तो जामुन की स्मूदी बहुत अच्छी बनती है। फ़िलहाल सुबह सुबह अभी आइसक्रीम तो नहीं है, और कमेंट मैंने कल रात में पढ़ा था, जब मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी वनीला आइसक्रीम के साथ। तो आज मैंने क्या किया है कि बिना आइसक्रीम के ही जामुन के पूरे पल्प निकाले हैं, गुठली अलग कर ली हैं, चीनी डाल करके पहले ब्लेंड किया, प्यूरी बन गई, फिर उसमें मिल्क डाल करके फिर से उसको मिक्स कर लिया है, और बच्चों को दिया है मैंने ये स्मूदी, जामुन स्मूदी। पीते ही तो बड़े अजीब से रिएक्शंस थे बच्चों के, क्योंकि जामुन का एक तेज वाला जो होता है ना फ्लेवर और टेस्ट, तो मैंने कहा धीरे धीरे पियो आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।